हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. आई एम फुल सिंह योगी फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप इन WRE सब्जेक्ट एंड प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड that canal designing के अंदर आपने देखा था कि टू जो थ्योरी आपको मिली थी, एक कैनेडी थ्योरी और एक लैशे थ्योरी. कैनेडी थ्योरी और लैशे थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके कैनाल डिज़ाइनिंग किए जाते हैं. उन कैनालों के माध्यम से जो वाटर आपका जिस पैलेस पर स्टोर होता है, चाहे वो डैम है, रिजर्वायर है या वेयर वेराज है या अक्रॉस द रिवर जहाँ पर आपने वाटर को रोक के रखा है, स्टोर करके रखा है, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है कैनाल के माध्यम से, तो आपकी वो कैनाल जो आपके जहाँ पर वाटर स्टोर होता है वहाँ से लेकर आपके फील्ड तक, क्रॉप फील्ड जो आप क्रॉप्स बोते हैं, सोइंग करते हैं, उस फील्ड तक वाटर को पहुंचाने का जो काम करती है वो कैनाल, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है वो आपने देखा. वो जो आपको दो मेथड थे, एक कैनेडी मेथड था, एक लैशे थ्योरी मेथड था. कैनेडी थ्योरी के अंदर कोई भी आपको इक्वेशन सेल्फ नहीं दी गई और उन्होंने अदर इक्वेशंस की हेल्प के माध्यम से डिज़ाइनिंग किया. उसमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है आपको यदि आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है तो. और लैशे थ्योरी में आपकी सेल्फ इक्वेशन दी, उनके माध्यम से डिज़ाइन किया जाता है. सिर्फ आपको इतना गिवन होगा कि आपको इतने वाटर की रिक्वायरमेंट से आपको डिज़ाइन करना, डिस्चार्ज से आपको डिज़ाइन करना है. तो उसके बाद में आपको कैनाल की विड्थ, डेप्थ, साइड स्लोप, बेड स्लोप, हाइड्रोलिक रेडियस, पेरीमीटर एरिया, आपको सब कुछ फाइंड आउट करना होता है. तो ये आपने देखा था. अब आप इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि आपकी जो क्रॉप्स है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है. बेसिकली यदि आप बात करें कि जो क्रॉप्स है उसका क्लासिफिकेशन आप अलग अलग बेस पर कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्शियल बेस पर ले लें, चाहे सीजनल बेस पर ले लें, चाहे नेचर वाइज ले लें, चाहे वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लें. तो ये अलग अलग टाइप्स की आपकी क्लासिफिकेशंस किए गए हैं. तो बेसिकली यदि आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो आपके जो बेसिकली अपन पहले पढ़ा था कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जयादी फसल जो अपन करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसमें भी यदि आप देखें पर्पस क्या है कि कोई भी क्रॉप्स है उसका क्या पर्पस है जिसके लिए आपको क्रॉप्स बोई जाती है और उसका यूज किस तरीके से करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये डिफाइन किया जाता है, क्लासिफिकेशन उसके कर दिए जाते हैं कि ये इस तरीके का है. तो मैं फर्स्ट बात करूँगा आपको क्रॉप क्लासिफिकेशन. क्रॉप्स आर ग्रुप्ड इन सेवरल बेस, नेमली अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ कल्टीवेशन, पैलेस ऑफ ओरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, different characters, uses, cultivators, requirements and other common behavior. अब ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्रॉप्स है उसका क्लासिफिकेशन जो करते हैं कि जो कृषक होते हैं, खेती करने वाले, कल्वर्ट या कल्टिवेशन जुताई करने वाले के माध्यम से, या पैलेस जो ओरिजन है वहाँ का, रीजन वाइज यदि आप बात करें कि अलग पैलेस पर किस टाइप की है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया गया है, उसके अलग अलग करैक्टर्स की मैं बात करूं या फिर यूजेज की बात करूं, उनके रिक्वायरमेंट के बिहेवियर के टाइप से इनकी रिक्वायरमेंट आएगी, इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाए, कैटेगरी में बांटा जाए कि इसका करैक्टर इस टाइप का है, इसका बिहेवियर इस टाइप का है, इसका यूज इस तरीके से है, तो उसको उस कैटेगरी में डाल दिया गया. जैसे यदि मैं खाद्यान्नों की बात करूँ तो अपनी जो फसल होती है गेहूँ, बाजरा, जो मक्के वगैरह, जो उन खाद्यान्नों में आएंगी. और यदि जैसे ऑयली टाइप की हैं, जैसे सरसों है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, तिलहन है, तो ये ऑल टाइप में आ जाती है, तो उसको अलग कैटेगरी में डाला. फिर कॉमर्शियल पर्पस की बात करें, जैसे शुगर केन वगैरह है,
इनको उसके अंदर कैटेगरी में डाल दिया। तो ये अलग अलग पर्पज़ यूज़ उनके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन या डिस्क्राइब कर दिया गया है। यदि मैं बात करूँ, क्रॉप प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रेंज ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, और वो पहली यदि मैं बात करूँ गार्डन क्रॉप। यदि आपको बात चल रहा है कि गार्डन टाइप की जो क्रॉप होती है वो गार्डन क्रॉप होगी, जैसे आप कहेंगे दीज आर बेसिकली ग्राउंड इन द किचन गार्डन फ्लावर गार्डन और बैकयार्ड गार्डन। सिर्फ यदि आप बात करें कि जो फसलें हैं क्रॉप्स हैं बेसिकली ग्रोथ की जाती है ग्रोन की जाती है सोइंग की जाती है कहाँ पर, गार्डन के लिए, चाहे वो किचन गार्डन है चाहे वो फ्लोर गार्डन है चाहे बैकयार्ड का गार्डन है गार्डन के लिए, तो वो गार्डन टाइप की क्रॉप्स होगी। प्लांटेशन क्रॉप्स जो प्लांट्स उसके होते हैं पौधे जो होते हैं उस टाइप की जो क्रॉप्स होगी तो उसे आप क्या कहेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स कहेंगे। जैसे दीज आर ग्रोन इन द लार्ज स्केल स्पेशली एंड इट इज टाइट टी है कॉफ़ी है ईटीसी, ये जो पौधे बनाए जाते हैं चाहे आप टी के ले लें चाहे कॉफीज के ले लें। नेक्स्ट यदि बात करें फील्ड क्रॉप्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल मोस्टली सीजनल क्रॉप्स सच एज राइस बीट कॉटन। यदि आप कहें कि फील्ड के अंदर जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है बोई जाती है सोइंग की जाती है उसे आप फील्ड क्रॉप कहेंगे, उसे आप फील्ड क्रॉप कहेंगे। तो ये कैटेगरी है आपकी जो क्रॉप्स है वो फील्ड क्रॉप्स के अंदर आ जाती है, चाहे वो चावल है राइस वीट्स आपके गेहूँ हैं चाहे आपके कॉटन रोई है। यदि आपसे ये देखें आप कि गार्डन क्रॉप्स सिर्फ इसके अंदर किसके है, गार्डन टाइप की जो फ्लावर्स जो बोए जाते हैं गार्डन पर फसल क्रॉप्स होती है, टीज कॉपीज प्लानट्स हैं, और फील्ड के लिए मोस्टली क्रॉप्स राइस वीट्स कॉटन ईटीसी बहुत सारी फसलें हैं जो फील्ड के अंदर बोई जाती हैं, तो इस टाइप का ये होता है। नेक्स्ट यदि बात करें एग्रोनॉमी डील्स विद फील्ड क्रॉप एंड दे आर क्लासीफाइड एज, कि बहुत सी कैटेगरियों में इसे क्लासीफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट की मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू देयर पैलेस ऑफ ओरिजन, रीजन वाई एयर कैटेगरी में डिवाइड करें कि यहाँ पर ऐसी फसल होती है यहाँ पर इसके, तो ओरिजन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो आपकी ओरिजन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप कहलाती है। और यदि मैं बात करूँ वॉटनी क्लासिफिकेशन, जो वॉटनी की क्रॉप्स हैं ठीक है जितने भी क्रॉप्स हैं जिनका यूज़ सिर्फ वॉटनी के लिए किया जाता है तो वो आपकी बॉटनी टाइप की क्रॉप्स हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ आपका इन दोनों जो है मेडिकल से रिलेटेड हैं रीजन्स वाइज अलग टाइप के हैं तो ये इनका कम यूज़ होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। यदि आप बात करें वैसे भी पर्पज़ बहुत है यूज है इनमें भी, कैटेगरी में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है डिवाइड किया गया है, लेकिन अब बेसिकली अगर आप देखें तो ये कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन कि जिसका यूज वह क्रॉप जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए स्विंग ग्रोइंग की जाती है उगाई जाती है स्विंग की जाती है वो कॉमर्शियल क्रॉप होगी। इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो इकोनॉमिकली आपकी क्रॉप्स होती है जो आपके इकोनॉमी को बढ़ाती हैं वो इकोनॉमी के लिए बोई जाती है तो वो इकोनॉमिकल टाइप की क्रॉप्स होगी। सीजनल क्रॉप्स जो सीजन वाइज होती है आपके जो सीजन से जैसे गर्मी का सीजन है सर्दी का बारिश टाइप का है रबी खरीफ जयादी फसल जो सीजनल वाइज होती हैं वो उस कैटेगरी के अंदर आती हैं। यदि मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑनोटेनजी या पीरियल क्रॉप्स, पीरियल क्रॉप्स की मैं बात करूँ जो वह फसल होती हैं जो वार्षिक रूप से बोई जाती हैं एनुअल क्रॉप्स होती हैं जिनके जो बेस पीरियड है क्रॉप पीरियड है वो लॉन्ग होता है या आप ये कह सकते हैं वार्षिक की है एनुअल है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, एग्रोनॉमी की टाइप से जो क्रॉप्स बोई जाती है तो वो उस टाइप की होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द
लीफ मॉर्फोग्राफी, लीफ के अकॉर्डिंग वो जाती हैं, देखा जाता है क्लासिफिकेशन किस टाइप के लीफ है, तो उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेवरिंग स्पेशल पर्पज़, जो स्पेशली पर्पज़ के लिए होती है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। इनका यूज़ कम किया जाता है, लेकिन आप मोस्ट जो हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। यदि मैं फर्स्ट बात करता हूँ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पैलेस ऑफ रीजन कि रीजनल वाइज यदि आप देखें तो ये क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स मे बी ग्रॉन लेस वेयर व्हाट ईच क्रॉप हैज इट्स नेचर पैलेस, पैलेस वाइज नेचर होता है, क्लाइमेट सिचुएशन क्लाइमेटिक ऑफ द पैलेस रीजन इज प्रोवाइडेड रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डील्स एनवायरमेंट फॉर इट पैलेस फॉर ओरिजन माय प्रोवाइडेड रिलेटिवली इंफॉर्मेशन व्हाट अबाउट इट्स आइडियल एनवायरमेंटल ऑफ एडेप्टिवली। यदि मैं बात नॉर्मल सी यदि मैं बात करूँ कि जिस टाइप का क्लाइमेट कंडीशन होता है वहाँ का, जैसा स्थान होता है, ओरिजन होता है, रीजन होता है, वहाँ उसी के अकॉर्डिंग फसल बोई जाती है। जैसे मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ कि वहाँ के सीजनल वाइज क्लाइमेट कंडीशन को देख के वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस टाइप की फसलों को बोया जाता है। यहाँ गर्मी के, अगर आप इधर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर गर्मी का सीज़न, तो वहाँ पर कौन से टाइप की फसल होगी गर्मी के सीज़न के अंदर, तो ये अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन और फील्ड के अकॉर्डिंग रीजन वाइज ये डिवाइड किया जाता है, तो वो आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती है। इसके अंदर नेचर देखा जाता है क्रॉप्स का, क्रॉप्स का किस टाइप का नेचर है, जैसे राइस है, वैली है, जो जो होते हैं, ब्लैक ग्राम है, चने ग्राम्स, मस्टर्ड ऑयल है, कैस्ट्रल शुगर कैन है, गन्ने हैं, कॉटन है, इस टाइप की आपकी कैटेगरी है, इसके नेचर वाइज डिवाइड कर दिया गया है हिस्टोनिक। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ तो मैं कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन, कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन की यदि आप बात करें कि जिनका यूज़ सिर्फ किसके लिए किया जाता है, कॉमर्शियल के लिए किया जाएगा, तो सॉरी कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन द प्लांट्स प्रोडक्ट विच हैव कॉमर्शियल यूज गो अंडर पॉपुलर ग्रुपिंग। फर्स्ट है फूड क्रॉप, जो फसल फूड की मैं बात करूँ, चाहे वो खाने वाली जो फसलें हैं, राइस, वीट, ग्रीन गार्म, सेम ग्राउंड कॉटन, ग्राउंड नट, तो ये सारी ग्राउंड फसल के अंदर आ जाती है फूड वाली। फीड क्रॉप, जो फीड की अगर मैं बात करूँ तो ये कैटेगरी उसके अंदर आ जाती है, ऑस्टेस, नेपियर, ग्रेम्स, 100 ग्राम, माजा, ये उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं फीड के अंदर। यदि इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल क्रॉप की बात करें, जैसे कॉटन है, शुगर कैन है, कॉटन और शुगर कैन, जूट, सारी इसके अंदर आती है। फूड एडजस्टमेंट, जैसे कॉमल्स, टर्मेरिक, कॉमेंस और ग्लेक्स, सॉरी। नेक्स्ट इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट इकोनॉमिकली, ये कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। इकोनॉमिकल टाइप से कितना सस्ता है, कितना महंगा, किस टाइप के, आप देखते हैं कि बहुत से रोमन ब्रिज जो आपकी फसल है वो इकोनॉमिकल टाइप से है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जनरली लार्ज ग्राम्स यूज फॉर द फूड के लिए यूज किया जाता है, चावल, राइस है, वीट है, चावल है, वेली है, इस तरीके से यूज किया जाता है, तो इनका क्या है। यदि मैं बात करूँ मील्स के लिए, तो वो है बाजरा है, रागी है, इलाक्सिस यूज फॉर द इस टाइप से, ऑलसेड यानी जो आपके ऑयली टाइप के हैं जिनसे ऑयल निकलता है वो किस टाइप के, लाइकली जैसे मस्टर्ड, सरसों जो आपकी होती है, ऑलसेड, अंडी वगैरह, ये इनेबल्स, ये सारी ग्राउंड नॉट, ये ऑयल सेड के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पल्सर्स, फीड ग्राम्स,
इसके अंदर ब्लैक आर्म स्पीक्स फिजर्स लेटेंस नाइस इस टाइप की फीवर्स क्रॉप्स शुगर स्पेशल डॉग्स मेजल्स और वेल्स ये इसके अंदर ग्राम सिस्टिस ये वैकेंसीज एंड मल्टीमैटिंग्स। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट मैं यदि बात करूँ सीजनल क्लासिफिकेशन तो डियर स्टूडेंट सीजनल क्लासिफिकेशन में आपको जैसे अपन अपना चलता है नॉर्थ इंडिया के अंदर खरीफ की क्रॉप्स की मैं बात करूँ कि इसका जो सोइंग का जो टाइम होता है बोने का जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और सोइंग जो की जाती है ग्रोइंग स्टार्टिंग में वही जो जाती है सॉन वो है आपका जून से जुलाई के बीच में और काटने वाला जो टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर। रबी की जो क्रॉप है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी में इसको काटा जाता है। अधिकतर मार्च में आप देखते हैं फरवरी मार्च के अंदर इसको काट हार्वेस्टिंग की जाती है ठीक है रबी की फसल के और ज़्यादा फसल जो आपकी गर्मियों के सीजनल पर होती है जैसे आप फरवरी मार्च से बोकर मई जून के ड्यूरेशन में गर्मियों के सीजन में इबरात करते हैं तो ये आपकी ज़्यादा फसल होती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर यही आपकी बेसिकली फसल्स यूज़ की जाती है क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है रबी खरीफ और ज़्यादा। इसमें जैसे मैं अब फॉर एग्जांपल बात करूँ कि रबी खरीफ की फसल जो इस ड्यूरेशन में चल रही है बाजरा है मक्का है ठीक है ग्वार है तिलहन है ये सब खरीफ की फसल के अंदर आता है। यदि रबी की फसल की बात करें जैसे गेहूँ है जौ है सरसों है मस्टर्ड तो ये उसके अंदर आते हैं। जैसे कि जैसे ककड़ी वगैरह फसल जो होती है फल फ्रूट वाला सिस्टम जो गर्मी के टाइम पर जैसे ककड़ी या खरबूजा वगैरह जो भी होते हैं वो इस ड्यूरेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट यदि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिस तो ये अलग अलग एनुअली क्रॉप्स जो वार्षिक होती है वाइनली क्रॉप्स जो 8 महीने के अंदर होती है पेनियली जो वार्षिक क्रॉप्स है लगातार हमेशा चलती रहती है तो इस टाइप की कैटेगरी की फसल आती है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ज़्यादा यूज़ नहीं है बेसिकली आपको यही फसलों का यूज़ करना है सीजनल वाइज का और यही आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप क्लासिफिकेशन के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यही यूज़ होता है। बेसिकली ये देखा जाता है कि आप किस टाइप की क्रॉप से उसके लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बेस पीरियड होता है क्रॉप पीरियड होता है इसके लिए ड्यूटी डेल्टा होता है जब तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्रॉप में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो निकालना होता है तो ये सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय।